नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क्स। तो जो हमने क्रॉसबार स्विच और मल्टीपोर्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखा था वो सभी सिंगल स्टेज नेटवर्क थे। तो बोथ क्रॉसबार स्विच एंड मल्टीपोर्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिंगल स्टेज नेटवर्क। सिंगल स्टेज नेटवर्क इज चीपर टू बिल्ड बट मल्टीपल पासेस में बी नीडेड टू एस्टेब्लिश सर्टेन कनेक्शंस। तो वो जो होते हैं सिंगल स्टेज नेटवर्क होते हैं वो चीपर तो होते हैं बिल्ड करने में, बट उसमें मल्टीपल पासेस अप्लाई करने पड़ते हैं कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। यानी सीपीयू वन को मेमोरी मॉड्यूल वन से करना है तो एक बार पहले उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, फिर दूसरे का दूसरे किसी सीपीयू को किसी दूसरे मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्ट करना है तो फिर उसके लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो मल्टीपल पासेस में जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं, जबकि मल्टी स्टेज नेटवर्क में क्या होता है, मल्टी स्टेज नेटवर्क हैज मोर देन वन स्टेज ऑफ स्विच बॉक्सेस। यहाँ पर मल्टी स्टेज नेटवर्क में क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस में स्विचेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। मल्टी स्टेज नेटवर्क शुड बी एबल टू कनेक्ट एनी इनपुट टू एनी आउटपुट। और इससे क्या होता है, आप कितने नंबर ऑफ इनपुट को कितने भी नंबर ऑफ आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हो। यानी सपोज एम सीपीयूज हैं उनको एन मेमोरी मॉड्यूल से कनेक्ट करना है तो आप मल्टी स्टेज नेटवर्क का यूज कर सकते हो। मल्टी स्टेज नेटवर्क्स आर ए क्लास ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स नेटवर्क्स विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स ऑन वन एंड मेमोरी एलिमेंट्स ऑन द अदर एंड कनेक्टेड बाय स्विचिंग एलिमेंट्स। तो मल्टी स्टेज नेटवर्क जो है वो हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग एलिमेंट मतलब सीपीयू जो होते हैं एक साइड होते हैं और मेमोरी एलिमेंट्स जो होते हैं अदर एंड पे होते हैं, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्विचिंग एलिमेंट मतलब स्विचेस की हेल्प से। मल्टी स्टेज नेटवर्क्स आर अप्लाइड टू बिल्ड लार्जर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स लाइक ओमेगा नेटवर्क, बेसलाइन, बटरफ्लाई नेटवर्क एंड मैनी मोर। तो मेनली मल्टी स्टेज नेटवर्क्स का यूज होता है लार्जर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए, जैसे एक ओमेगा नेटवर्क होता है, बेसलाइन नेटवर्क, बटरफ्लाई नेटवर्क। द स्विचिंग नेटवर्क कैन कनेक्ट एनी इनपुट टू एनी आउटपुट बाय मेकिंग एप्रोप्रिएट कनेक्शंस इन ईच ऑफ द स्टेजेस। और कितने भी इनपुट्स को कितने भी आउटपुट से ये कनेक्ट कर सकता है मल्टी स्टेज नेटवर्क बाय मेकिंग एप्रोप्रिएट कनेक्शन। हर स्टेज पे एप्रोप्रिएट कनेक्शंस करके वो कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स को कितने भी नंबर ऑफ आउटपुट से एक साथ कनेक्ट कर सकता है, जबकि सिंगल स्टेज में क्या करना पड़ रहा था, हर बार 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 जाके जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ रहा था। यहाँ एक ही टाइम में जो होगा एक साथ जो है मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट से कनेक्ट हो जाएंगे। हियर टू क्रॉस टू स्विचेस आर यूज विच हैव टू पॉसिबल कनेक्शन स्ट्रेट एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर टू क्रॉस टू स्विचेस का यूज होता है जो दो टाइप के कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रेट और एक एक्सचेंज। स्ट्रेट में क्या होता है, जो आपने जीरो इनपुट दिया है वो आउटपुट में जीरो ही मिलेगा, जो फर्स्ट वन इनपुट दिया आपको आउटपुट में वन ही मिलेगा। और एक्सचेंज में क्या होता है, जीरो वाला वन में जाता है आउटपुट में और वन वाला जीरो आउटपुट में मिलता है। तो इस टाइप से ये वर्क करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका मल्टी स्टेज नेटवर्क का। यहाँ पर हमने एक 8x8 ओमेगा नेटवर्क बनाया है थ्री स्टेजेस का, क्योंकि 8x8 है यानी 2 की पावर 3 होता है, इसमें 3 जो है नंबर ऑफ स्टेजेस होती हैं, तो इसीलिए 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है यानी 8 सीपीयूज हैं और 8 मेमोरी मॉड्यूल्स हैं। इन 8 सीपीयूज को 8 मेमोरी मॉड्यूल्स से हमें कनेक्ट करवाना है। तो उसके इसमें क्या किया गया, देखो इसमें कैसे कनेक्शन होता है, 0 का 0 से ही कनेक्शन होता है और 7 का 7 से ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 1 वाला इसके साथ इनपुट आएगा, देखो 0 वाला इसका इनपुट था फर्स्ट वाले स्विच का, फिर सेकंड वाले स्विच का ये वाला फर्स्ट इनपुट बनेगा, 2 इस नेक्स्ट वाले स्विच का इनपुट बनेगा, 3 नेक्स्ट वाले का इनपुट बनेगा। अब यहाँ पर ये खत्म हो गए, अब 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 क्या जाएगा, इस स्विच का सेकेंड इनपुट बनेगा, 5 इसका सेकेंड इनपुट बनेगा, 6 इसका सेकेंड इनपुट बनेगा, 7 तो ऑलरेडी बताया 7 7 सेम होता है, ठीक है। अब ये सपोज स्ट्रेट कनेक्शन का स्विच है तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का कनेक्शन है स्विच में, ये एक्सचेंज भी वर्क कर सकता है, एक्सचेंज टाइप का स्विच भी हो सकता है और स्ट्रेट भी। अगर स्ट्रेट है तो क्या होगा,
यहाँ पर जीरो इनपुट पे जीरो ही मिलेगा, फोर आउटपुट पे फोर ही मिलेगा। अब ये यहाँ पर जीरो मिल गया, फोर वन फाइव टू सिक्स थ्री सेवन, अगेन वही होगा जीरो जीरो से। अब ये वाला फोर इसका फर्स्ट इनपुट बनेगा, वन इसका फर्स्ट इनपुट बनेगा, फाइव इसका फर्स्ट इनपुट बनेगा। अब ये जो टू है इसका सेकेंड इनपुट बनेगा, सिक्स इसका सेकेंड इनपुट बनेगा, थ्री इसका सेकेंड इनपुट बनेगा। ठीक है, ये सारे टू क्रॉस टू स्विचेस हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर जीरो टू फोर सिक्स वन थ्री फाइव सेवन मिल जाएगा। अब क्या होगा, जीरो जीरो से कनेक्ट होगा, टू वाला इसका फर्स्ट इनपुट बनेगा, फोर वाला इसका फर्स्ट इनपुट बनेगा, सिक्स वाला इसका फर्स्ट इनपुट बनेगा, फिर वन वाला इसका सेकेंड इनपुट, थ्री वाला इसका सेकेंड इनपुट, फाइव वाला इसका सेकेंड इनपुट। अब यहाँ पर क्या मिल गया, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इस टाइप से जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है ओमेगा नेटवर्क में। तो सपोज करो सीपीयू वन को मेमोरी मॉड्यूल वन से कम्युनिकेशन करना है, तो ये स्विचेस जो हैं ये पाथ के थ्रू उसको कनेक्ट करवा देंगे। और सपोज थ्री को जो है वन सिक्स वाले मेमोरी मॉड्यूल से कम्युनिकेशन करना है, तो इस पाथ से जो है इनमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो कोई भी सीपीयू जो है किसी भी मेमोरी मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज स्विचेस, और एट अ टाइम मल्टीपल इनपुट्स जो हैं वो मल्टीपल आउटपुट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इफ वन सीपीयू इज एक्सेसिंग एनी मेमोरी मॉड्यूल एंड इफ एनी अदर सीपीयू वांट्स टू एक्सेस द सेम मेमोरी मॉड्यूल देन इट हैज टू वेट। यहां पर भी ऐसे ही होगा, अगर वन वाला सीपीयू जो है वन मेमोरी मॉड्यूल को यूज कर रहा है और अगर दूसरा सीपीयू भी इस वन मेमोरी मॉड्यूल को एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एट अ टाइम एक मेमोरी मॉड्यूल को एक ही सीपीयू एक्सेस कर सकता है। अब एन क्रॉस एन ओमेगा नेटवर्क में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेजेस अगर आपको फाइंड करनी है तो एन क्रॉस एन, एन मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे एट क्रॉस एट ओमेगा नेटवर्क है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट। तो नंबर ऑफ स्टेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग बेस टू एन। तो एट मतलब टू की पावर थ्री और लॉग बेस टू और टू ये क्या हो जाता है, वन। लॉग टू और टू हो जाता है वन, तो बचेगा थ्री। तो इसमें कितनी स्टेजेस हैं, थ्री। अगर ये 16 क्रॉस 16 ओमेगा नेटवर्क होता तो फोर स्टेजेस मिलती, क्योंकि टू की पावर फोर हो जाता। और नंबर ऑफ स्विचेस इन ईच स्टेज कितने होते हैं, एन बाय टू। तो अगर ये 8 क्रॉस 8 ओमेगा नेटवर्क है तो फोर स्विचेस लगेंगे। ये देखो हर स्टेज में कितने स्विचेस हैं, फोर स्टेजेस, फोर स्विचेस हैं।